हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू का सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम टिश्यू का जितना भी जो टाइप्स होता है उसका एग्जांपल विद ट्रिक्स, और आपको एक चीज भी रटना नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल चीज बताऊंगा उससे आपको सारा एग्जाम्पल याद होने वाला है। तो यार लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल चीज पहले बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन लास्ट तक चलेगा और वैसे वैसे आपके एग्जाम्पल जो होता है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है। अभी इसमें हम पूरा लेक्चर बात करेंगे एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जितना भी टाइप्स होता है सारा स्ट्रेटिफाइड और सिंपल दोनों तरह का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है। सबसे पहले चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये जो हमारा पार्ट है। सबसे पहले देखो कि अगर मैं बात करूं कि सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, अब मैं फंडा पहले बता दे रहा हूं, स्टार्टिंग में ही सारा फंडा बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे कि मान के चलो कि सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, हम लोग का एक पॉइंट लेते हैं सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन जो फंक्शन होता है एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है, अगर सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन अगर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट होगा तो सिक्रीशन कैचिका करेगा, म्यूकस लाइक सिक्रीशन करेगा, अगर वाटरी सिक्रीशन करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। म्यूकस लाइक सिक्रीशन कहीं से भी हो रहा है तो समझना है कि वहां पर में कॉलमनार एपिथेलियम है, और वाटरी लाइक सिक्रीशन कर रहा है तो समझना कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, अगर समझो और एक चीज कि अगर सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन एब्सेंट है तो हमारा एपिथेलियम का कौन सा फंक्शन बच रहा है, जैसे कि डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, कवरिंग, ये सब क्या बनाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम। तो भाई इसी फंडामेंटल चीज को यूज करते हुए हम सारा लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, यही फंडामेंटल लेक्चर जो है हमारा पूरा आज कवर होगा। तो देखो सबसे पहले मैं ना क्लासिफिकेशन देख लेता हूं, जो क्लासिफिकेशन है कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम कितने तरह का होगा, या तो सिंपल एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है, तो सेल्स का अरेंजमेंट है बस एक ही लेयर में होता है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम। अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है सेल के लेयर्स का। ठीक है, और एक बात बताओ, जब दो से ज्यादा लेयर्स का होगा तो क्या वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, उसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, उसका फंक्शन होता है, उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। और जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो ये लाइनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, या तो अभी बताया सिंपल के लिए लाइनिंग में हेल्प करता है, या फिर क्या करेगा, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। सेल अपने आप में किस तरह से स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके अलग अलग बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो वो चीज पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो जो स्क्वामस एपिथेलियम है, एक मिनट, देखो जो स्क्वामस एपिथेलियम है ना, अब सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, उसके बाद सिंपल कॉलमनार। ठीक है, अब सारे का एग्जांपल भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, एपिथेलियम टिश्यू का। ये एक सिंगल लेयर होता है, फ्लैट होता है, स्केल लाइक सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज इसमें प्रेजेंट होता है। देखो ये एक तरह का फ्लैट लाइक सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, है ना, इस तरह से होता है, ये सेल्स का लेयर हो गया ना, इस तरह से सेल्स का लेयर हो गया। देखो सेल्स का एक ही लेयर होता है बस। ठीक है, एक लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होता है, जिसका बाउंड्री इरेगुलर होता है इस तरह से। ठीक है, इरेगुलर बाउंड्री पाया जाता है, है ना। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में, और राउंड होगा और फ्लैट होगा। न्यूक्लियस क्या, राउंड न्यूक्लियस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम, क्यों, क्योंकि ये टाइल्स लाइक अपीयरेंस दिखाता है।
वहीं पे इसको वेवी लाइक अपीयरेंस दिखाता है, ठीक है, वेवी लाइक अपीयरेंस दिखाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेसलेटेड एपिथेलियम, क्या बोलेंगे, टेसलेटेड एपिथेलियम, टेसलेटेड एपिथेलियम, क्योंकि इसका वेवी लाइक अपीयरेंस है। चलो अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, डिफ्यूजन, कवरिंग और लाइनिंग बनाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने एक फंडा बताया था, इस फंडे के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है, ठीक है। चलो अब देख लो, ये जो सिंपल इसका, ये आपको लिखना नहीं है, आपको क्या लिखना था, सबसे पहले एक बॉक्स में इसको लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन लिख लो, है ना, उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद सिंपल एपिथेलियम का डाल के पहला लिखो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और इसका ये पांचों फंक्शन लिख देना है आपको, ठीक है, पांचों पॉइंट आपको लिखना है, और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आपको नहीं लिखना है, बट समझ लो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सिंगल थिन लेयर होता है फ्लैटेन सेल का, इरेगुलर बाउंड्रीज होता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ द लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। देखो मैंने लास्ट में बताया है, मैंने लास्ट में एक पूरा स्लाइड बना के बताया है जिसमें एग्जाम्पल विथ जितना भी एनसीईआरटी का पॉइंट है वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि पहले मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है, तो या तो चाहो तो आप वो लिख लो, ठीक है, नहीं तो इतना सारा लिखो, क्योंकि अब इतना सारा लिखोगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका, इसका जो पहला एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, देखो पहला जो एग्जाम्पल है बात करें आउटर आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर बताऊंगा तो ताकि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो इसको एग्जाम्पल को डटना नहीं है, मैं सारा चीज बताऊंगा अभी कोरिलेट करके बताऊंगा जो मैं इससे पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था, ठीक है। दूसरा है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, पोडोसाइट्स, ये क्या करता है, देखो बताओ मुझे, बोमेंस कैप्सूल में पोडोसाइट्स प्रेजेंट होता है, वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, देखो कहीं होगा यहाँ पर मैं, देखो ये जो यहाँ पर में पोडोसाइट सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल्स, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, तो तुम्हें पता है कि पोडोसाइट का फंक्शन, तो तुम आसानी से बता सकते हो कि हाँ फिल्ट्रेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस से रिलेटेड है, ठीक है, डिफ्यूजन कर रहा है या फिर फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो ठीक है, तो एग्जाम्पल याद हो गया है ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे बताओ, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, अब एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है, डिफ्यूजन करके गैस एक्सचेंज कराता है, ठीक है। एल्वियोलाई अगर स्पेशली बात करें कि न्यूमेटोसाइट, न्यूमेटोसाइट्स टाइप वन, मतलब एयर सैक ऑफ द लंग्स, वो सब छोड़ो, सीधे याद रखो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स और जिसको बोलते हैं एयर सैक, या फिर ये भी दे सकता है एयर सैक्स ऑफ लंग, ठीक है। दूसरा है मीजोथिलियम, देखो मीजोथिलियम कहाँ है यहाँ पर, ये देखा मीजोथिलियम, तो सिलोम का लाइनिंग है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम मीजोथिलियम, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, ये एब्डोमिनल वॉल है, बाहर वाला लेयर क्या हो जाएगा स्किन जिसको बोलेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा मसल जिसको बोलेंगे मीजोडर्म, और उसके अंदर वाला जो लेयर उसको बोलेंगे सिलोम, ठीक है। मुझे बताओ ये जो पेरिटोनियम है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये किससे बना होगा, स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है, ये क्या चीज का बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं किसको कवर करता है, पेरिटोनियम किसको कवर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह सबको कवर करता है। तो मुझे बताओ अब यहाँ पर मैं सोचो कि जब इंटेस्टाइन को कवर करता है, कवर किसको करेगा भाई, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन को ही कवर करेगा ना पेरिटोनियम,
इसीलिए आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन को देखो, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, पेरिटोनियम किसको कवर करता है? आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर में हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन को भी कवर करता है, इसलिए कवरिंग में ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। मीजोथिलियम हो गया हमारा, है ना। मीजोथिलियम क्या है? लाइनिंग ऑफ सिलोम को क्या बोलते हैं? मीजोथिलियम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं एंडोथिलियम, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो लाइनिंग होता है ये ब्लड वेसल्स का लाइनिंग है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का क्या है? लाइनिंग होता है। तो ब्लड वेसल्स का जो भी लाइनिंग होता है वो क्या होता है? एंडोथिलियम। और मैं बताया कि एंडोथिलियम क्या लाइनिंग के लिए कौन सा जो एपिथिलियम यूज होता है? स्क्वामस एपिथिलियम, ठीक है। अब जो अगला है जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम देखो, एंडोकार्डियम में क्या होगा कि जो इनर मोस्ट हार्ट का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। वो भी क्या चीज का बना होता है? इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट का इनर मोस्ट लाइनिंग होता है, हार्ट का जो इनर मोस्ट लाइनिंग होता है वो भी क्या चीज का बना होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम का, ठीक है। और जो यहां पर में थिन पार्ट ऑफ, थिन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, थिन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है वो भी क्या चीज का बना होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम का, क्योंकि वहां क्या होता है? फिल्ट्रेशन। क्या होता है वहां पे? फिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो बात करें पेरिटोनियम जो भी बताया, ठीक है, पेरिटोनियम, ये बात तो सबको पता है कि पेरिटोनियम किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करता है, जितना भी विस्ट्रल ऑर्गन होता है उसको कवर करता है पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया। अब एक एक करके इसका देख लो, डायग्राम में देख लो। ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में क्या पाया जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। टाइप वन न्यूमेटोसाइट से बेसिकली होता है, तो इसको इतना ध्यान में मत रखो अगर ज्यादा नहीं याद रहता, बट याद रखो कि एल्वियोलाई एयर सैक ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो ये टाइप वन न्यूमेटोसाइट सेल है, ठीक है, यहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वोमेंस कैप्सूल, ये बता दिया। अगला है ये मीजोथिलियम लाइनिंग ऑफ सिलोम को क्या बोलते हैं? मीजोथिलियम, जिसको क्या बोल सकते हैं? पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल विस्ट्रल ऑर्गन्स को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। और जो कवरिंग बनाता है उसी को क्या, वही सेल्स, वही टिश्यू क्या होता है जो कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, वही होता है सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम, है ना। चलिए मीजोथिलियम की बात हो गई, यहाँ पर मीजोथिलियम पेरिटोनियम एक ही बात है। मीजोथिलियम क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? मीजोथिलियम, है ना। ये सब चीज है, हो गया, आप समझ गए। और फिर आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे विस्ट्रल पेरिटोनियम जैसे बात करें, अभी बताया है कि जो आउटर सरफेस ऑफ पेरिटाइन, आउटर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो भी क्या चीज को बना होता है? विस्ट्रल, ठीक है। अगला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये भी क्या बना होता है? ये भी जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। ये हमारा है थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये हमारा थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या बनाता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। भाई समझना बहुत आसान है, रटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, रटना बंद करो, है ना। अब हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो देखो ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, और बात ये याद रखना है कि ये न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो मैंने वही बताया कि अगर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन प्रेजेंट है तो या तो क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनार होगा, ठीक है। क्यूबॉइडल है तो किस तरह का सिक्रीशन करेगा? वाटरी सिक्रीशन करेगा। अब चलो, अब दिमाग में वाटरी सिक्रीशन टाइप का वर्ड दिमाग में लेके चलो और एग्जाम्पल याद करते हैं, ठीक है। चलो दिमाग में वाटरी सिक्रीशन लेके चलो, अभी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, है ना, अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और आप लोग देखोगे, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है फॉलिक्यूल्स ऑफ, फॉलिकल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें कौन सा ग्लैंड, कौन सा सेल्स होता है? क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। टाइप
टाइप टू निमोनोसाइट्स ऑफ एल्वियोलाई लिख लो, ठीक है, लेकिन छोड़ो ये मत लिखो, ये पूछता नहीं इतना, ठीक है। एसनी ऑफ पैंक्रियाज, एसनी ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद हो गया सिग्रेटरी सेल्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द स्वेट सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद याद रखो कि ये आईडीज में पाया जाता है, ठीक है, वर्ल्डवाइड में पाया जाता है, सीलियरी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है एपिथिलियम ऑफ रेटिना, एपिथिलियम ऑफ रेटिना में भी पाया जाता है, ठीक है, ये सब जगह पे भी पाया जाता है। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, डीसीटी में फंक्शन बताओ, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है ना, तो याद करो डीसीटी में, और वाटरी सिक्रीशन होता है, ठीक है, क्या चीज का, अरे भाई वाटरी सिक्रीशन ही होगा ना, ब्लड क्या चीज का होता है, ब्लड में वाटर क्या होता है, वाटरी होगा ना, ठीक है, थिक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का थिक पार्ट, सॉरी थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले, थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले, तो यहाँ पर में डिफरेंस है, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले और थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। अब ये जर्मिनल एपिथिलियम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये किस में पाया जाता है, गोनेड्स में, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी, क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड करके क्या बनाता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथिलियम, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया सारा आपको एक साथ, ठीक है। अब देखो, अब फिगर को देखते जाओ, क्या क्या मैं बता रहा हूं। पहला है वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये जो वेसाइकल्स है थायराइड ग्लैंड, ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, थायराइड ग्लैंड, ये जो वेसाइकल्स है, जो फॉलिकल्स होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड फॉलिकल्स होता है, वो हार्मोन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, तो हार्मोन है वो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये जो हार्मोन है वो भी क्या चीज हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, फॉलिकल्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में जो ये चीज, ये भी एसनी और पैंक्रियाज, एसनी और पैंक्रियाज में क्या हो जाएगा, एसनी और पैंक्रियाज क्या है, यहाँ पर में क्यूबॉइडल हो जाएगा, ठीक है। और देखो और क्या था हमारे पास, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड बताओ, तुम्हारा जो स्वेट होता है वो म्यूकस होता है या वाटरी होता है, वाटरी होता है, ठीक है, तो समझ लो कि क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना। अब बताओ आयरिस कोरोइड सिलियरी बॉडी, ये सब क्या करता है, हमारा जो एक्वास्यूमर होता है विट्रस एक्वास्यूमर, उसका सिक्रीशन करता है, ठीक है, तो एक्वास्यूमर क्या वाटरी लाइक सिक्रीशन होता है, ठीक है, आंसू जो निकलता है वो वाटरी लाइक सिक्रीशन होता है, ये बात भी समझ आ गई कि हाँ कि ये डीसीटी का, और डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन ये क्या होता है, फिल्टर सिक्रीशन करता है ना यहाँ पर में, लेकिन वाटरी सिक्रीशन करता है या अब्जॉर्प्शन करता है, थिक पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वाटर का सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज, इसको याद रखो एक स्पेशल पॉइंट से कि ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल सेल्स होता है, यही तो क्यूबॉइडल सेल्स होता है जो कि फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है एंड ओवरी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यही क्यूबॉइडल सेल्स टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है एंड ओवरी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये चीज वहां पर मैं बताऊंगा जब मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ग्लैंड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ग्लैंड का, वो मेड होता है किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ठीक है, सिक्रेटरी यूनिट जो होता है स्वेट ग्लैंड का, ये क्या करता है, स्वेट का फॉर्मेशन करता है जो कि वाटरी सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये बता दिया नेफ्रॉन का डीसीटी में, और थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, ये जो थिक पार्ट है वो बोलते हैं थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, है ना। चलो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द स्मॉल ग्लैंड, स्मॉल डक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। देखो स्मॉल डक्ट्स में कौन पाया जाता है, स्मॉल डक्ट्स में हमेशा याद रखो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ये एनसीईआरटी लिख रहा है, ठीक है। और एक और चीज एनसीईआरटी, अभी देखो लास्ट में थोड़ा सा आगे करके बताऊंगा, ठीक है, अभी समझते जाओ बस। सिंपल क्यूबॉइडल का बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम एक एग्जांपल होता है जो कि क्या बनाता है, जर्मिनल एपिथेलियम इन गोनेड्स, ठीक है,
ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये डिवाइड करके ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ओवर और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं ना। अब चलो अब इसका कुछ मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन याद करने का मैं तरीका पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि अगर माइक्रोविलाई है तो माइक्रोविलाई क्या करेगा, माइक्रोविलाई क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमर क्यूबॉइडल एपिथिलियम किसमें होता है, पीसीटी में। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथिलियम किसमें होता है, रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी में, तुम्हें पता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जहाँ होता है तो माइक्रोविलाई होना चाहिए, तभी तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा तब तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, ठीक है भाई। पीसीटी का फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कराना है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराना, नॉर्मल वे में रीअब्जॉर्प्शन नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। तो माइक्रोविलाई यूज करना पड़ेगा, मतलब सरफेस एरिया को क्या करनेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है ना। आई बात समझ में। तो इसका मॉडिफिकेशन करके टॉपिक लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से पहला लिखो कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में क्या थी, पीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिएटेड, यहां पर में क्या था, माइक्रोविलाई। अब है सीलिया, सीलिया मतलब क्या करेगा, मूवमेंट, ठीक है। सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, ठीक है। सीलिया क्या करेगा यहाँ पर में, मूवमेंट कराएगा, है ना। सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट, मतलब मोसाइल है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल भी है। तो ये क्या होता है, सीलिया क्या होता है, मोसाइल होता है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल भी होता है। मोसाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, है ना, क्या बोल सकते हैं, सीलिएटेड में। देखो ये जो कॉल्यूमनार सेल्स होता है ना, इसके एंड पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस का जो पोजीशन कभी चेंज नहीं होने वाला इसमें, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें सीलिया दिखा रखा है कॉल्यूमनार एपिथिलियम का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइडल हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी उसको आगे छोड़ो, ठीक है। ठीक है, सीलिएटेड में क्या होगा, फ्री सीलिया प्रेजेंट होता है ना। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस में, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, है ना, यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो ये कुछ ज्यादा इतना भारी बात नहीं है, ठीक है, याद करना, थोड़ा सा लॉजिक थिंकिंग डेवलप करो, याद हो जाएगा। सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू, अब कॉल्यूमनार है तो म्यूकस लाइक सीक्रीशन पे बात कर लेते हैं। तो ये एक सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स इसमें प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियस होगा ये लोकेटेड होगा बेस पे, न्यूक्लियस लोकेटेड होगा, और न्यूक्लियस होगा बेसल एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है ये आपको दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। चलो अब सेम वे, तो ये किस में पाया जाता है, सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है ये कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, बाइल डक्ट में पाया जाता है, और यूट्रस में पाया जाता है। देखो यूट्रस में किस चीज का सिक्रीशन होता है, पता है तुम्हें, म्यूकस लाइक सिक्रीशन होता है यूट्रस में। बाइल डक्ट में म्यूकस लाइक बाइल जूस प्रेजेंट होता है, जूस जूस तो म्यूकस ही होता है, ठीक है। लीवर में प्रोडक्शन होता है किसका, बाइल जूस का, और इसमें बाइल डक्ट में क्या रहता है, बाइल डक्ट में अगर बाइल को इधर से इधर ले जाना है तो हमें क्या चाहिए, बाइल को अगर ले जाना है तो मुझे क्या चाहिए, किस तरह का सेल चाहिए मुझे, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका मॉडिफिकेशन देख लो कि जब ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियम, तो ये किस तरह क्या चीज प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई, देखो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो एकदम बेस में सिचुएटेड होता है, और नीचे में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है, जो नीचे में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो ये इसका एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर में, क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बाइल का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा बाइल का एब्जॉर्प्शन करेगा मतलब कंसंट्रेट करेगा, मतलब अपने अंदर रखेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको बाइल अपने अंदर रखना है,
ताकि, तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए इसका एरिया को क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? सोचो थोड़ा, ठीक है, सोचोगे तभी काम होगा। गॉल ब्लैडर इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, वहीं पे बता दिया। देखो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम, अब यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन कॉलमनार सेल्स। अब कॉलमनार सेल्स ये हो गया, ठीक है, ये कॉलमनार सेल्स है, इसके बीच में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सरफेस या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोमैक, ठीक है? सोचो जरा, स्टोमैक ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड, कहीं ना कहीं ग्लैंड से रिलेटेड है, तो कहाँ कहाँ ग्लैंड होता है, स्टोमेक में होता है भाई, हाँ स्टोमेक में होता है, सिकम में भी होता है, कुछ ग्लैंड सिकम में भी होता है, सिकम कोलोन में भी होता है, रेक्टम में भी होता है, ठीक है? तो ये सब चीज हो गया सिकम कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है? तो इस समय क्या होता है, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कॉलमनार एपिथेलियम। चलो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम देखो, ये कोलोन में प्रेजेंट होता है, रेक्टा में प्रेजेंट होगा, सीकम में प्रेजेंट होगा, स्टोमेक में प्रेजेंट होगा, तो वहीं पे मैं सारा चीज बता दिया, ठीक है? अब है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, अब ग्लैंडुलर भी होगा, ब्रश बॉर्डर भी होगा, ब्रश बॉर्डर मतलब ग्लैंडुलर भी होगा और ब्रश बॉर्डर भी होगा, मतलब कि यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, क्योंकि सर्फेस एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, माइक्रोविलाई सर्फेस एरिया तो इंक्रीज कर रहा है। इसके बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होगा, जो ग्लैंडुलर सरफेस है, ग्लैंडुलर सेल्स होता है, ठीक है, इसमें बीच में ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होगा। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखो ग्लैंडुलर है, ब्रश बॉर्डर है, ठीक है, माइक्रोविलाई है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्फेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ग्लैंड भी है, माइक्रोविलाई, ठीक है, यहाँ पर में बस ग्लैंडुलर था, माइक्रोविलाई नहीं था, ठीक है, ग्लैंडुलर था, माइक्रोविलाई नहीं था, बट यहाँ पर में ग्लैंडुलर है, ब्रश बॉर्डर है, मतलब यहाँ पर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। तो इसका एग्जांपल सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है और ग्लैंड भी है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ग्लैंड भी है और एब्जॉर्प्शन भी करा रहा है। सोचो सोचो, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां की क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर में देखने को मिलता है ना, ठीक है, मैक्सिमम है, स्मॉल मैक्सिमम होता है, कौन कौन सा, डिओडेनम, डिओडेनम, जेजुनम एंड पीलियम, ठीक है ना, बात समझ आ गई बात। चलो ये इसका एग्जांपल हो गया डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम वाला पार्ट। चलो अब बात करते हैं सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार मतलब इसे सीलिया होगा, सीलिया क्या कराता है, सीलिया मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का मूवमेंट कराता है, इन एक फिक्स डायरेक्शन में ये कराता है मूवमेंट, ठीक है, तो ये सीलिएटेड है और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कभी भी दिमाग में आप मतलब एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल मुझे बता दो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, जो क्या करता है, गैमेट के कंडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल एपिथेलियम जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्या कंडक्शन ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का कंडक्शन करेगा भाई, ठीक है। और दूसरा है ब्रोंकियोल, ये एयर्स का कंडक्शन करता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स क्या करता है, एयर का कंडक्शन करता है ना। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये सारा चीज एग्जाम्पल हो गया सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, एपेंडाइमल एपिथेलियम होता है जो हेलो कैविटी ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सीएसएफ के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ये ब्रेन वेंट्रिकल्स यहाँ पर मैं दिखा रखा है ना, अलग अलग तरह के वेंट्रिकल्स दिखा रखे हैं, फोर्थ वेंट्रिकल्स हो गया, फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स हो गया, थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल कैनाल। ये जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं, एपिडाइमल सेल्स, और एपिडाइमल सेल्स में क्या है, देखो माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर में आ गया है, और यही माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, सीएसएफ के मूवमेंट को हेल्प करेगा, है ना। चलो
स्टीरियोसीलिया इसमें क्या करेगा, मूवमेंट तो कराएगा नहीं, ठीक है, स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट तो कराएगा नहीं, मोसाइल भी नहीं होगा, ठीक है, स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट नहीं होगा, मोसाइल नहीं होगा, तो क्या करेगा ये सरफेस एरिया को ही बस इंक्रीज करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस और वास्ट डेफिनेंस। मैंने आपको बोला था इसका एग्जांपल एज इट इज आपको रट लेना है, एक चीज रटने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है, और ये से भी थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब अगला बात कर लेते हैं, सीलिएटेड कॉलिमनार एपिथेलियम जो बता दिया, ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है, स्टीरियोसीलिया बता दिया, स्टीरियोसीलिया का एग्जांपल वास्ट डेफिनेंस और एपिडर्मिस हो गया है ना, ठीक है। स्टीरियोसीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मैकुला एंड क्रिस्टा में, इनर ईयर ऑफ द बॉडी, बैलेंसिंग, ये भी चीज बता दिया पिछले ही लेक्चर में, ठीक है। तो देख लो कॉलिमनार एपिथेलियम के बारे में इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल टॉल एंड न्यूक्लियाई कहाँ होता है, बेस से प्रेजेंट होता है, फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई हो सकता है, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, अगर माइक्रोविलाई होगा तो लाइनिंग ऑफ स्टोमक का इंटेस्टाइन को बनाएगा जिसको सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कॉलिमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सर्फेस, दे आर सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ फॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो याद हो रहा है धीरे धीरे एग्जाम्पल, एक बार में याद नहीं होगा, मैं भी ये समझ रहा हूँ एक बार में याद नहीं होगा, बट समझो इसको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, नेक्स्ट इसका मॉडिफिकेशन है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना, देखो सूडो मतलब फॉल्स, है ना, तो ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, कॉलमनार सेल्स का, ठीक है। देखो जैसे कि मान के चलो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, सेल्स का जो लेयर होता है इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सेल्स का लेयर का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, देखो क्या होता है कि यहां पर में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ये जो ये एक तरह का तुम्हें दिख रहा होगा कि एक तरह का बाई लेयर अपीयरेंस होता है, ठीक है, बाई लेयर अपीयरेंस। अब जब कभी भी बाई लेयर होगा तो स्ट्रेटिफाइड आएगा, लेकिन इस तरह से होता है, ठीक है, एक अलग अलग लेवल्स पे दिखता है न्यूक्लियस, क्या होता है एक अलग अलग लेवल्स पे दिखता है, ठीक है, जैसे कि मान लो इसका न्यूक्लियस नीचे है तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लेवल अलग अलग न्यूक्लियस लेवल पे दिखता है, ठीक है, क्योंकि कुछ सेल्स छोटे होते हैं और कुछ सेल्स बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है वो ऊपर नीचे यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेकिन ये लेयर यूनिलेयर्ड ही होता है, लगता तो है कि न्यूक्लियस ऊपर है नीचे है तो लगता है बाईलेयर सीन होता है, लेकिन बाईलेयर होता नहीं है, यूनिलेयर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, और दूसरा अगर बात करें जैसे कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एग्जाम्पल लिखा, देखो अगर बात करें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल लिख लो, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है जो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ट्रैकिया, और तीसरा एग्जाम्पल है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। देखो पूछने के लिए इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तुम्हें है एक सेफर साइड में तुम्हें इस तरह का लिख लो कॉपी में, ठीक है। बाकी एक चीज और लिखना है जो तुम्हें बस एग्जाम के समय वो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो अगर वही चीज करना है तो वही चीज करके जाओ, बाकी ये भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वो डिटेल में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर में समाप्त होता है, क्या क्या समाप्त होता है, सिंपल एपिथेलियम। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ये बहुत हल्का है, ठीक है, देखने में भारी भरकम है लेकिन ये हल्का है, ठीक है।
कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो एक से ज्यादा लेयर होता है, मल्टी लेयर सेल्स होता है और इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये आपको नोट डाउन करना है कंपाउंड एपिथेलियम हेडिंग डाल के, ठीक है। अरेंजमेंट किस तरह से होता है कि देखो मल्टी लेयर होता है, मतलब चार से छह लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो जो नीचे वाला लेयर है, सबसे पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये लाई होता है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जो सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेटिव लेयर। ये क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलमनार हो सकता है। इसमें माइटोटिक इंडेक्स हाई होता है, ठीक है, मतलब हाई एनर्जी में ये, हाई मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये माइटोसिस कर सकता है, ठीक है। जो मिडिल वाला लेयर है वो दो से चार लेयर होता है और पियर शेप्ड मिडिल लेयर होता है। ये देखो पियर शेप, ठीक है, ये पियर शेप्ड मिडिल लेयर होता है, ये पियर शेप इस तरह से होता है मिडिल लेयर, ठीक है। अम्ब्रेला शेप भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल शेप भी हो सकता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो डिफरेंट शेप से होगा, अलग अलग कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर मैं बात करूं कि यही जो आउटर लेयर है जो एक से दो लेयर बनाता है, इसी का जो अलग अलग डिफरेंट तरह का, जैसे कि कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्क्वामस, स्क्वामस में ये टाइल्स लाइक दिखेगा, ठीक है, कॉलमनार में ये ऊपर वाला लेयर कॉलमनार दिखेगा, क्यूबॉइडल में ये क्यूबॉइडल दिखेगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर वाला लेयर ही चेंज होगा, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं वो एडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोजोम से आपस में कनेक्शन करके रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने फिर से इसको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी। ये दो टाइप्स का होता है, पहला है स्ट्रेचेबल जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथिलियम, दूसरा है नॉन स्ट्रेचेबल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम तीन पार्ट में बांटा गया, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है, ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। तो देख लो भाई ट्रांजिशनल एपिथिलियम के बारे में, जो ट्रांजिशनल एपिथिलियम है जिसको बोलते हैं यूरोथिलियम, क्यों, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में ही मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है होता है वो ओवल शेप्ड सेल होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, ओवल शेप्ड होता है। और जो मैंने बोला कि बाकी का जो लेयर है बीच वाला वो पियर शेप्ड होता है, इनर मोस्ट क्यूब लाइक होता है, ठीक है, ये चीज याद है, ठीक है। सेल्स जो होता है वो आपस में इंटर डिजिटेशन से कनेक्शन होता है, ठीक है, ताकि मूवमेंट हो सके। मैंने बताया था कि इंटर डिजिटेशन में दो, एक चीज बहुत कॉमन है, क्या है कॉमन, कि वो जो इंटर डिजिटेशन है वहां पर मूवमेंट हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है किसमें, ट्रांजिशनल एपिथिलियम में। तो ये स्ट्रेचिंग स्ट्रेचेबल एपिथिलियम है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा जंक्शन प्रेजेंट होगा, इसमें कौन सा जंक्शन प्रेजेंट है, देखो इंटर डिजिटेशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें बताओ, इसमें इंटर डिजिटेशन एब्सेंट है, इसमें क्या है, इंटर डिजिटेशन एब्सेंट है ना, आगे बात समझ में। चलो यूरोथिलियम, हाँ ये चीज समझ आ गया। इसीलिए यहां पर मैं थिन क्यूटिकल लाइनिंग आउटर लेयर, आउटर लेयर होता है ये जो क्यूटिकल लाइनिंग होता है, ये जो ओवल शेप सेल होता है, ये क्यूटिकल लाइनिंग बना देता है, ठीक है, जिसके कारण ये वाटरप्रूफिंग में हेल्प करता है ना। तो चलो देखो, सेल्स बिकम फ्लैटेड, देखो जैसे कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये जो सेल्स होता है फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ये इस पर दबता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपीयर, और इस समय बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो मोस्टली डिसअपीयर हो गया रहता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अगर भर जाता है तो ये स्ट्रेच होता है, जब स्ट्रेच होता है तो जो एपिथेलियम होता है इस तरह से यहाँ पर में सीन होता है, ठीक है। यूरोथिलियम, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स आर अपीयर स्वेलिंग द रेस्टिंग स्टेज व्हाइल इन स्ट्रेच ऑल द सेल्स बिकम फ्लैट। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, आपको बस ये दोनों पॉइंट लिखना है, रेस्टिंग स्टेट में थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच होने में बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे उसका एग्जांपल याद कर लो, रूप, क्या याद करना है, रूप है ना। जैसे कि बात करें रूप का एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि रीनल पेल्विस, ये हो गया रीनल पेल्विस, ये भी क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बोल सके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोस्टली प्रेजेंट होता है यूरिनरी सिस्टम, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, यूरोथिलियम प्रेजेंट होता है, मैं बताया, ठीक है। चलो नॉन स्ट्रेचेबल की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड आ गया, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है।
तो बताया कि स्ट्रेटिफाइड के बारे में बात कर ले, तो आउटर मोस्ट सेल्स अगर फ्लैट है तो स्ट्रेटिफाइड, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बात कर ले तो कैरेटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कैरेटीन होगा तो क्या बोलेंगे, कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, इस पे कैरेटीन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो भाई साहब कैरेटीन अगर प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस क्या हो सकता है, कैरेटीन अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर में कैरेटीन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। कैरेटीन अगर प्रेजेंट होगा तो सेल्स यहाँ पर में नॉन न्यूक्लियेटेड हो जाएगा और डेड हो सकता है, ठीक है, कैरेटीनाइज्ड में। तो यहाँ पर में सेल्स क्या होगा, सेल्स नॉन न्यूक्लियेटेड एंड डेड, ठीक है, डेड सेल्स यहाँ पर में। अब मुझे बताओ डेड सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं, फीदर डेड सेल्स होते हैं, हेयर्स में डेड सेल्स होते हैं, नेल्स के अंदर डेड सेल्स होते हैं, हॉर्न्स के अंदर डेड सेल्स होते हैं, हूप्स जो होता है जो घोड़े का पैर जो होता है, ठीक है, या फिर गाय का जो रूप होता है नीचे वाला उसको, बीक में डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्केल्स, नेल्स, फीदर्स, ये सब में क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कैरेटिनाइज वाला, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज की बात करें मतलब कैरेटीन यहाँ पर में स्टेज है, मतलब कहीं ना कहीं ये मॉइस्चर से रिलेटेड है ना, कहीं ना कहीं ये मॉइस्चर से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर में सेल्स क्या होगा, सेल्स देखो यहाँ पर में न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा, न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा प्लस लिविंग होगा, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा प्लस लिविंग होगा। अब लिविंग कहाँ कहाँ होगा, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का सारा एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके पास प्लस टू कर दिया गया है। सबसे पहला बात करें लिप्स के लाइनिंग में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस होता है, ठीक है, यहाँ पर में, ठीक है, मतलब मॉइस्ट सरफेस में बकल कैविटी, कहीं जहां कहीं भी मॉइस्ट सरफेस हो बकल कैविटी का, उसमें समझ लो कि क्या होगा, नॉन कैरेटिनाइज होगा, ठीक है। तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ, लिख लो वहां पर मॉइस्ट सरफेस ऑफ, देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी राइटिंग समझना है तो फिर बोल जो रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। बकल, डॉक्टर की राइटिंग ही खराब होती है, क्या बताऊं, बकल कैविटी है ना, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस, या फिर बोल सकते हैं फेरिंग्स का बोल सकते हैं, या फिर इसोफेगस का बोल सकते हैं, या फिर एनल कैनाल का बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब में क्या होता है, या फिर वेजाइना का बोल सकते हैं, ठीक है, वेजाइना है ना। तो ये सब बात हो गई हमारे नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। तो देखो लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स हो गया, लाइनिंग ऑफ टॉन्सिल्स हो गया, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस हो गया, ये सारा अलग अलग एग्जांपल है, उसको पॉइंट में करके लिख लेना, एक दो तीन ऐसे करके। लाइनिंग ऑफ एनल कैनाल का जो लाइनिंग होता है वो भी कैसे नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। लाइनिंग ऑफ वेजाइना का भी जो लाइनिंग क्या होता है, वेजाइना का लाइनिंग भी क्या होगा, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो याद करना, देखो रटना मुश्किल है, समझना आसान है, ठीक है, समझ के याद रखना बहुत आसान है। नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये किसमें प्रेजेंट होता है, कॉर्निया में भी होता है, ठीक है। अब चलो क्यूबॉइडल में, तो बात करें क्यूबॉइडल में तो मतलब बाहर वाला लेयर कहीं ना कहीं क्यूब टाइप होगा, ठीक है, बाहर वाला लेयर देख लो यहाँ पर में क्यूब टाइप है, ठीक है, बाहर वाला जो लेयर है वो क्यूबॉइडल है ना, तो बाहर वाला लेयर क्यूबॉइडल होगा, मिडिल लेयर पॉलीगोनल होगा, इनर मोस्ट भी क्यूबॉइडल होगा, सेल्स यहाँ पर में न्यूक्लिएटेड होते हैं और लिविंग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो सिक्रेटरी डक्ट्स होता है, स्वेट ग्लैंड का, मेमरी डक्ट, मेमरी ग्लैंड्स का, सेलेबरी ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब हो गया तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है भाई, पहले फंडा बता दिया हूं, बस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिक्रेटरी डक्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड, देखो स्वेट ग्लैंड है यहाँ पर में, क्यूबॉइडल ग्लैंड में ही मोस्टली प्रेजेंट होता है, कि भी ग्लैंड है ना तो समझना है कि क्यूबॉइडल है या फिर पॉलीमनाडिक, क्योंकि वही तो सिक्रीशन करता है भाई, वही तो सिक्रीशन करता है, ठीक है। और वाटर सिक्रीशन अगर कर रहा है तो सिक्रेटरी डक्ट में प्रेजेंट होगा स्वेट ग्लैंड का। मेमरी ग्लैंड अगर मैं बात करूँ, ये क्यूबॉइडल होता है ना, ये लार्ज डक्ट में प्रेजेंट होता है, ये क्यूबॉइडल जो होता है ये लार्ज डक्ट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, लार्ज डक्ट से याद रखो, है ना।
चलो, तो मेमोरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है ना, वो भी लार्ज डक्ट होता है, ठीक है, सिग्रेटरी ग्लैंड, सिग्रेटरी डक्ट होता है। सेलेबरी ग्लैंड का भी डक्ट क्या होता है, लार्ज होता है। सीबेसिस ग्लैंड का भी डक्ट क्या होता है, लार्ज होता है। पैंक्रियाटिक डक्ट भी हो सकता है, फीमेल यूरेथ्रा हो सकता है, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरेंसियल लाइनिंग ऑफ द डक्ट। सब चीज इंक्लूड हो गया, एक्स्ट्रा भी इंक्लूड हो गया, ताकि अगर कुछ तरह के नया क्वेश्चन अगर बना सकता है तो यहाँ पर मैं आप लिख सकते हो, ठीक है, बना सकते हो क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, तो देखो बाहर वाला जो लेयर है ये कॉलमनार होगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बेसल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या होगा इसका, बेसल न्यूक्लियस, है ना। कॉलमनार लाइक एक्सपीरियंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया। अब सीलिया के प्रेजेंस में सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, नॉन सीलिएटेड। भाई सीलिया आ जाता है तो डरो मत, ठीक है, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे कि नॉन सीलिएटेड की बात करें तो डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा तो क्या होता है, नॉन सीलिएटेड। सिलिएटेड की बात करें, अगर सिलिया प्रेजेंट है तो माउथ ऑफ द फ्रॉग हो गया, बक्कल कैविटी ऑफ द फ्रॉग हो गया, और लैरिंग्स, ठीक है। तो इसमें सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम हो रहा है, सब चीज का अलग अलग मीनिंग है। सिलिया क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, है ना। स्ट्रेटिफाइड होगा तो मतलब वो टफ होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं, और कॉलमनार होगा तो मतलब किसी चीज का सिक्रीशन, म्यूकस लाइक सिक्रीशन तो होगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखा है। चलो अब हमारा एक पार्ट हो गया एपिथेलियम का, ठीक है, एपिथेलियम जो होता है उसका एक पार्ट हो गया एपिथेलियम का। अब मैंने बोला था कि कॉलमनार सेल्स होते हैं उसका मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, सेल का ग्रुप होता है जो कि एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के मेड से बना होता है। ग्लैंड का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म होता है, स्वेट ग्लैंड का। मीजोडर्म होगा गोनेड्स का, एंडोडर्म होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तरह का ओरिजिन। ग्लैंड का भी ओरिजिन तीनों हो सकता है, ग्लैंड का ओरिजिन तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ग्लैंड कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर, ठीक है ना, है ना। तो मुझे बताओ कि जितने भी ग्लैंड है वो टिश्यू के कंपोज में होते हैं, ठीक है। कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स आपस में इस तरह से स्पेशलाइज हो जाते हैं सिक्रीशन करने के लिए और ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये पॉइंट लिख लेना है, तीनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड फोर्थ पॉइंट आपको डाल के लिखना है, है ना। देखो जैसे कि ये कॉलमनार सेल्स, ठीक है, ये कॉलमनार सेल्स, सॉरी क्यूबॉइडल सेल्स। अब ये क्यूबॉइडल सेल्स आपस में ये क्या किया, रीजनरेशन किया, और ये रीजनरेशन करके इस तरह से सेल्स लाइक बना लिया। अब ये अपना सिक्रीशन इसमें रिलीज कर रहा, अब ये सिक्रीट कर रहा, ये अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा, जो कुछ भी ये ग्लैंड अपना बना हुआ एग्जोक्राइन ग्लैंड, जो अपना सिक्रीशन क्या करता है, रिलीज कर देता है डक्ट में, ठीक है। तो देखो हम लोग बात कर ले तो जो एनसीईआरटी में मोस्टली दिया हुआ है, जो ग्लैंड है, जो यूनिसेलुलर ग्लैंड, जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स कि एलिमेंट्री कैनाल का गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, ठीक है। मल्टी सेलर होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स उसके प्रेजेंट होगा तो मल्टी सेलर होगा, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर में देखो एक सेल्स प्रेजेंट है, एक सेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गॉबलेट सेल्स हो गया, पैनेट सेल हो गया, ठीक है। मल्टी सेलर में देखो बहुत सारे सेल्स यहाँ पर में प्रेजेंट है, है ना, बहुत सारे सेल्स यहाँ पर में प्रेजेंट, ठीक है। मल्टी सेलर सेल्स हो गया, तो मल्टी सेलर ग्लैंड ये हो गया, इसका सिक्रीशन ये इसमें सिक्रीशन डाल, है ना। तो जैसे कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं एक्सेप्ट गॉबलेट्स ग्लैंड एंड पैनेथ ग्लैंड, गॉबलेट्स ग्लैंड और पैनेथ ग्लैंड को छोड़ के जितने भी ग्लैंड होते हैं सब मल्टी सेलुलर। बाकी गॉबलेट्स ग्लैंड और जीपी क्या होता है, जीपी, जीपी क्या होता है, यूनि सेलुलर, यूनि, जीपी यूनि याद रखो, बाकी सब मल्टी सेलुलर, ठीक है। जीपी यूनि बाकी सब मल्टी सेलुलर, जीपी यूनि बाकी सब मल्टी सेलुलर, है ना। चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर मैं सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट रहता है, जो हम लोग मोस्टली हार्मोन्स जो पढ़ के आए हैं वो क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, तो वो सिक्रीट करता है डायरेक्टली अपना फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड, बाथिंग द ग्लैंड मतलब अपना जो ये ग्लैंड है वो सिक्रीट कर देता है डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर सेल भेज देता है, जैसे ब्लड में भेजता है वो ब्लड टारगेट ऑर्गन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये यहाँ पर में क्या होता है, जो सिक्रेटरी ग्लैंड है ये वायर डक्ट के थ्रू कहीं पर में जाता है, ठीक है। जहां पर मान लो स्किन में भेजना है, स्किन में म्यूकस भेजना है, तो सिक्रेटरी ग्लैंड ऑफ द स्किन स्वेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा और डक्ट से क्या करेगा, स्किन के बाहर में यहाँ पर में
म्यूकस आ जाता है, ठीक है। ईयर वैक्स भी उसी तरह से होता है, ऑयल मिल्क एंजाइम जो मिल्क सिक्रीट करता है, जैसे कि मेमरी ग्लैंड, वो भी तो डक्ट से ही आता है ना निप्पल पे। तो ऑल द सेल्स प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, हेट्रोक्राइन मिक्स ग्लैंड, देखो मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन की तरफ भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इसका पैंक्रियाज और गोनेड्स, ठीक है, पैंक्रियाज और गोनेड, है ना। चलो, ऑन द मोड ऑफ द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ओनली एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ये सब सारा चीज मैंने बताया जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिखना है और ये लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये दोनों लिखना है आप, ये दोनों और बाकी ये लिखना है, ठीक है, इतने से आपका काम। अब देखो, अब मैं इसका बात कर रहा था, ठीक है। अब जरा सोचो, समझो, दिमाग लगाओ कि तुमने क्या पढ़ा है, ठीक है। सोचो समझो दिमाग लगाओ, है ना। देखो, सिंपल एपिथेलियम का बात करते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। अब इसका क्या क्या पार्ट हो गया, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार, सिलिएटेड एपिथेलियम, जो एनसीईआरटी में दिया बस उतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शंस, इसका फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन करता है, इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन कहाँ प्रेजेंट है, एसनी ऑफ पैंक्रियाज में, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। एब्जॉर्प्शन करता है कहाँ, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में, मिला लो एनसीईआरटी से, ठीक है। पहले तुम एनसीईआरटी से मिला लो, इतना पढ़ लोगे ना तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता तो नहीं बन पाएगा। ऐसी और अगर बाहर से क्वेश्चन बनाना है, कुछ भी कुछ दिमाग लगा के अगर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जितना भी लेक्चर बताया, जितना भी आपको पॉइंट बोला लिखने को, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करके बार बार रिविजन करना होगा, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेचेबल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बात कर ले, ठीक है। तो ये स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम याद करो, RUUP रूप, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्टेटिफाइड की वाइडर, इसका एग्जांपल ही नहीं दिया सेल्स में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, ग्लैंड्स के बारे में बात करें, कुछ कॉल्यूमनार और क्यूबॉइडल सेल्स आपस में स्पेशलाइज होकर क्या बनाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। सिक्रीशन के बेसिस पे एंडोक्राइन हो सकते हैं, एक्सोक्राइन हो सकते हैं। एक्सोक्राइन क्या होगा, जो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क और एंजाइम सिक्रीट करेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी दिया हुआ था एक बार क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा, गिवन में से सारा दे दिया था, म्यूकस दे दिया था, सलाइवा दिया था, ईयर वैक्स, ऑयल मिल्क, और उसमें से छाटना था कि कितना एक्सोक्राइन का जो पार्ट है, एक्सोक्राइन सिक्रीट, एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन सा सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर मैं सब दिया था, उसमें हार्मोन भी दिया था, हार्मोन नहीं होकर बाकी सारा चीज था, ठीक है। एक दो तीन करके इसमें ऑप्शन रहता है कि नंबर पहचानो, ये सब इससे क्वेश्चन बन सकता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड बताया कि जितने भी ग्लैंड होते हैं सब मल्टी सेलुलर रहता है, एक्सेप्ट गॉबलेट्स और पैनेट्स को सॉल्व किया, क्योंकि जीपी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, जीपी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। ये तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, समझना बहुत जरूरी है। बाकी मैं डायग्राम से भी सारा चीज डिस्कस किया हूँ, ठीक है ना, है ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोग को ये सीरीज आप लोग को सही समझ आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह से हमें सुधार करना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आप लोग को लग रहा है, तो आप लोग कमेंट पे जरूर आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलवेज कमेंट देखता हूँ, तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फंडा आप लोग को जरूर याद होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2। अब इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 3 और 4 में मुझे क्या बताना है, ठीक है, वो आगे मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊंगा, और कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट यहाँ पर मैं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हुआ, क्योंकि उसमें बोन्स का डिटेल स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है वो। और ये सब मैं बता रहा हूँ ना, MBBS में बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। MBBS में बहुत आगे आपको फर्स्ट ईयर बहुत हेल्प मिलेगी इस सबसे, तो यार पढ़ो, ठीक है, कभी भी ये ज्ञान लॉस नहीं जाएगा आपको, ठीक है। कभी भी ये ज्ञान आप जो पढ़ रहे हो, ये कभी भी लॉस नहीं जाने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प होगी आपको। चलिए, तो वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।